हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम आ चुके हैं पैल वर्ल्ड और आज का हमारा गेम प्ले होने वाला है 20 Days of Survival। इसमें आज हम करने वाले हैं कुछ पकड़ने वाले हैं बेहतरीन से आइस पेल्स, साथ ही साथ फायर पेल्स, दोनों ही बहुत ही खतरनाक होने वाला है। साथ ही साथ हम यहां पे कुछ और पकड़ने वाले, जैसे लास्ट टाइम में क्या हुआ था, मेरे को एक बॉस पेल पेटेलिया था, उसने मार दिया था, मैं उसको नहीं पकड़ पाया, तो यहाँ पे आज हम उसको भी कैप्चर करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे आज हम स्पेयर असेंबली लाइन एक बनाने वाले हैं और साथ ही साथ एक जनरेटर बनाने वाले हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा वहां पे प्रोड्यूस हो सके, मतलब उसके बाद ब्लैक मार्केटर से हम मिलने वाले हैं और उसके बाद होने वाला है हमारा जो इस समय करेक्टर है उसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, मतलब मेकओवर समझ लो या बिल्कुल ही साथ जेंडर भी चेंज कर दूं। और हमारा नया बेस जो बन रहा है, बन चुका है एक्चुअली में, उसमें भी काफी हम कुछ करने वाले हैं। सो आज काफी धमाका होने वाला है, प्लीज वीडियो में बने रहिए। जिसने वीडियो नहीं देखी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। सो हियर वी गो। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रिस्पॉन होके और मेरे सामने है यहाँ पे 36 लेवल का आरसॉक्स, लेकिन मैं भी यहाँ पे कम नहीं हूं। मैंने अपना मेमोरिस्ट भेजा है, उसकी भी लेवल अच्छी खासी है, लेकिन मुझे संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो आरसॉक्स है ना काफी हद तक फायर ही फायर फेंक देता है, एकदम खतरनाक वाला है। और दूसरी तरफ एक मेमोरिस्ट और है, उससे भी बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उसने देख लिया ना तो वो फिर से दो दो मेरे को अटैक करेंगे और झेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे को इसको कैसे भी कैप्चर करना है। हैंग्यू, ये हैंग्यू बहुत ही बढ़िया है। ओ देखो देखो, इसकी हेल्प से मैं काफी ऊंचाई तक उड़ सकता हूं, लेकिन कभी कभार इसका एक घाटा भी है क्योंकि जब हम ऊपर से गिरते हैं ना तो डैमेज एक अच्छा खासा पहुंचता है, इसलिए इसको कोशिश करना नीचे लाके तब गिरने की। ओके, आरसॉक्स को कैप्चर रेट 7% है। हो नहीं, अभी भी एस्केप कर गया। ओ देखो क्या मुंह से इसने आग निकाली है, मैं एकदम से एकदम बुरी तरीके से बचा हूं, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। अब कैप्चर करूंगा मैं। ओके, उम्मीद है आप कैप्चर हो जाना चाहिए। ओके, मेमोरिस्ट यहाँ पे आ चुका है 39 लेवल का और यहाँ पे आरसॉक्स हमारा कैप्चर हो चुका है। ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 हो चुके हैं। अब हो चुका है मेरी भिड़ंत मेमोरिस्ट से और मेरी लेवल तो बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ मेरा यहाँ पे जो हार्ट बन के आ रहा है नीचे देख रहे होंगे, मतलब मेरी हेल्थ कम हुई है। ओके, मैंने अपना वैन वेम भेज दिया है उड़ते हुए चील, काफी उसको मैंने स्किल इतनी बढ़ा रखी है, इस समय 29 लेवल का है लेकिन डैमेज वो भी अच्छा देता है। और मेमोरिस के केस में फायर से डैमेज देना काफी अच्छी बात है। देखो मारो, 39 का है, कोई दिक्कत नहीं है, मारो मेमोरिस्ट को। ओके, लेकिन मेरे को इसको बच के रहना है, मेमोरिस्ट को कम नहीं समझना है हमें, मेमोरिस्ट को कभी कम मत समझो क्योंकि ये भाई लेवल 39 का है, मायने रखता है लेवल 39। ओ देखो यहाँ पे मैं तीरों की बरसात कर रहा हूँ कैसे भी, ओ बस इससे एकदम बचते बचते चलना है मुझे। ओके, बुरी तरीके से मैं बच रहा हूं इससे अभी, बस इसको कैसे भी कोशिश कर रहा हूं डैमेज देने की क्योंकि ये काफी अच्छा। ओके 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 ओके, देखो क्या फायर दिया है। ओके हरिकेन, उसने भी फायर हरिकेन, मतलब घमासान वाला युद्ध यहां चल रहा है। मैं अपना एंग्यू में लटक के भैया एकदम आ चुका हूं, लेकिन इसको मारना बहुत बड़ा एकदम चैलेंज है, काफी इसको आग लग चुकी है। ओके ये ही कैप्चर होना चाहिए, हो जाए हो जाए हो जाए। ओह यार काफी डैमेज पहुंच चुका है, अब इसको मेरे को लग रहा है कैप्चर करना चाहिए दोबारा से। ओके गीगा स्पेयर से होना चाहिए। ओह यार मेरे को लग रहा है ये इतना आसानी से नहीं होने वाला कैप्चर, या तो इसके लिए स्पेयर चेंज होना चाहिए या फिर गीगा स्पेयर से कैप्चर करने के लिए इसको डैमेज और पहुंचाना पड़ेगा हमें। देखो दो ही शर्तें होती हैं, या तो डैमेज किसी पहल को ज्यादा पहुंचाओ, उसका हेल्थ लेवल बिल्कुल डाउन कर दो, और दूसरा एक स्पेयर का लेवल अच्छा हो तो। ओके ओके यार ये मरना नहीं चाहिए, मेरा वैन यूएम इसको मार सकता है, मेरे को कैप्चर चाहिए, कैप्चर चाहिए अब भी। ओ बिकम इनकैपेसिटेटेड, यार मैंने दूसरा रेंड्रिक्स ला चुका हूं, यार रेंड्रिक्स मार मत देना बस।
यार रेंड्रिक्स आ चुका है, लेकिन उसने उसको डैमेज तो छोड़ो पूरा मार ही दिया। मुझे कैप्चर करना था यार। कई बार ये स्पेल्स मेरे को मतलब हानिकारक साबित होते हैं। फिलहाल तो मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ और अब स्पेयर असेंबली लाइन बनाऊंगा, क्योंकि जो मोर पावरफुल स्पेयर रहता है ना वो मेरे को चाहिए, अल्ट्रा स्पेयर। क्योंकि जैसे आप भी देखा था एलिफेंट वाले केस में, मेमोरेस्ट वाले केस में, वो हम उसको नहीं पकड़ पा रहे थे उस वाले से, मेगा वाले से, सॉरी गीगा वाले से। तो उसके लिए क्या हमें चाहिए, उसके लिए हमें अल्ट्रा स्पेयर चाहिए। सो इस वाले स्पेयर बेंच में बन सकता है, लाइन जिसको हम कहते हैं इसमें बन सकता है। और देखो अभी इसमें क्या है, ओके अभी नहीं बन रहा है स्पेयर असेंबली लाइन। बन तो सकता है लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, शायद हमें कुछ और चीज रिक्वायरमेंट है, उसके बाद शायद बन जाए। देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करेंगे और फिर हम बनाएंगे। और इसके लिए एक जनरेटर की भी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इसको चलाया जाता है। इसलिए देखो मेरे पास अनुबिस भी भरपूर है, मैंने इनको ब्रीड करा के सब अनुबिस जनरेट कर रहे हैं और ये काफी हैंडीवर्क करने में काफी आसान। और एक ये पकड़ा मैंने यूनिवोल्ट, ये करंट अच्छा प्रोड्यूस करता है। ओके सो मेरे पास पेल्स जो है मेरे लिए हेल्पफुल काफी है। कोई खाना बनाता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई एग डेवलप करता है, कोई करंट लाता है। देखो गीगा स्पेयर इस समय हमारे पास स्टोन की यहाँ पे लेकेज है, कमी है। ओके लेकिन गीगा स्पेयर भी काफी लाभदायक है। देखो यहाँ पे पूरा मेरा बेस में काम चालू है अनुबिस का, यहाँ पे ओर, ओके ओर है ये भैया, माइनिंग चल रही है दबा के बहुत ज्यादा। पेल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल है इस समय, मेरा जो लेवल है हमें ध्यान रखना है, कभी भी ये गेम खेलें अपने पेल बॉक्स को अपग्रेड करते रहेंगे तभी आपके लेवल बढ़ेंगे और आपको एक अच्छे से अच्छे यहाँ पे, मतलब ये गेम एक ऐसा है ना मतलब खत्म होने वाला नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। डेली इसमें अपग्रेड होते रहती है और आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं और यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे पेल्स हैं। और मुझे सच बताऊं तो चैलेंज फेस करना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो फिलहाल तो ये मेरा लकड़ी का घर है, आने वाले टाइम में मैं इसको भी चेंज करके स्टोन का बनाने वाला हूं, क्योंकि लकड़ी में ओके यहां पे अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे हो चुका है हमला। ओके यहां पे ये लोग हमला बोल चुके हैं, मेरे जितने पेल्स हैं बस। ओके मैं कोशिश करूंगा एक आध को कैप्चर कर लूं। ओके ये देखो इन लोग ने मेरे बेस पे हमला बोला था ना। ओके लेकिन मेरे पेल्स कोई कम नहीं है, इन्वेडर्स का अटैक खत्म कर दिया। ओ देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या भैया छोड़ के गए, ठोक दिया इन्हें, ठोक दिया था एकदम। देखो दो दो यूनिवोल्ट है मेरे पास, एक बॉस भी पकड़ा है मैंने जिसने पहले वाट में नहीं देखा, वहां देख ले मैंने बॉस भी पकड़ा। ओके गीगा स्पेयर इस समय बन सकता है मेरा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इस समय गीगा स्पेयर को बना लेता हूं। ओके देख लेते हैं यहाँ पे वॉरसेक्ट, सीधा मैं आ चुका हूं वॉरसेक्ट, काफी खतरनाक लेवल 30 का अनहेल्डिंग कोलोसस स्पेल है, वॉरसेक्ट नाम है। ओके 2700 से 2000 और जिस गन को मैं चला रहा हूं ना मस्केट काफी डैमेज देती है, 1000 का डैमेज देती है। वो मेरे ख्याल से अटक गया, वो मेरे को देख भी नहीं रहा, मेरा वैनवेम वहीं पे, वैनवेम चाहे उसको बहुत जल्दी मार सकता है, लेकिन भाई ऐसे कैसे मैं अपने वैनवेम को और ज्यादा एनहेंस कर रहा हूं ताकि वो मोर पावरफुल बन सके और हमें एक अच्छे अच्छे पेल्स को हम पकड़ सके। देखो मैं ज्यादा हिलूंगा नहीं, मैंने पोजीशन अपनी अच्छी होल्ड कर ली है इसको पकड़ने के लिए। ओके ठीक है बस मारते रहो, अभी मेरे पास 14 यहां पे बुलेट्स है मस्केट की। ओके वो मेरे ख्याल से ओके उसने मेरे को देख लिया, मेरे को निकल लेना चाहिए। हैंगयू का यही फायदा है, मैं ऊपर चढ़ के, नीचे आने की जरूरत ही नहीं मेरे को, क्योंकि नीचे मैंने देखा है, नोटिस किया इससे पहले, ओह इससे पहले वाले जिसमें भी मैं डंजिन में घुसा था वहां पे बॉस थे, वो मेरे को बहुत आसानी से मार रहे थे क्योंकि मैं नीचे था। इसलिए इस बार हैंगयू की हेल्प से मैं ऊपर आया हूं और मेरा वो पहल एक वैसे मेरे को लटकने में हेल्प करता और दूसरा लड़ने में, तो इस तरीके से मेरी दो बार हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ अगर मेरे पास कोई हथियार है मस्केट लाइक हैंडगन तो उनसे इनको डैमेज अच्छा पहुंचता है। ओके बहुत ही खतरनाक है ये वॉरसेक्ट। ओके जल रहा है ये 1300 1200, अभी भी इसमें काफी दम है। ओके काफी भारी भरकम है ये, काफी भारी भरकम है, मेरे को इसको इस बार हराना ही पड़ेगा, मैं बहुत संभल के देख रहा हूं। 7 बुलेट रह गई है मेरे पास अभी यहाँ पे।
ओके, बच बच के इससे, क्योंकि इसका एक इनकैपेसिटेट हो गया है मेरा। वेनवे, मेरे को नाइट विंग किसी को भेजना है, नाइट विंग आ जा भाई। ओके, संभल संभल के, मैं नीचे बिल्कुल नहीं उतरना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उतरना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा जो डैमेज देगा ना, खतरनाक वाला दे देगा एक ही बार में। मैं इसको इतना डैमेज दिया हेल्थ का, मैं नहीं चाहता हूँ अपने आप को डेड करना, क्योंकि अगर मैं हो गया तो काफी नुकसान होने वाला है। देखो मेरे पास हाइपर स्पेयर है, इस समय मैंने हाइपर स्पेयर असेंबली लाइन में बनाया है। ओके, सो उसका वहां फायदा था, और यहाँ पे फाइनली मैं बॉस फाइट जीत चुका हूं इसको, वॉरसेक्ट को। पहला वॉरसेक्ट मैंने कैप्चर करा है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलता है, उससे क्या होता है, अपग्रेड हमारा लेवल होता है, हमारा पहले अपग्रेड होता है, और हमारे पास पावर और ज्यादा आती है, और कुछ आइटम्स यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं। ओके, जो भी भूखे हैं, देखो यहाँ पे वैन वेम तो एकदम जीरो पे आ चुका है, मेरे को उसको रखना पड़ेगा भाई अपने पेल बॉक्स में, ताकि वो थोड़ा रेस्ट करे, 10 मिनट्स का यहाँ पे टाइम रहता है। ओके, डंजियन से फिलहाल हम बाहर आ गए हैं, और मैंने वैन वेम फिर से आ चुका है मेरे पास। अब दूसरी डंजन में हम जाते हैं, क्योंकि कोशिश मैं कर रहा हूं यहाँ पे अपनी अपग्रेड करने की, जिसके लिए मेरे को अच्छे अच्छे पेल्स को, जो बॉस है खास करके, उसको डैमेज देना है और उसको कैप्चर करना है। अब एसोटेरिक सील रियल्म ऑफ एसोटेरिक, यहाँ पे मेरे को अब जाना है, देखते हैं यहाँ पे लेवल 32 का बॉस मिलने वाला है, कौन होने वाला है। हालांकि यहाँ पे जर्नी में दिखा रहा है मेरे 3 टास्क हैं, उसको हम अभी करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ पेल पावरफुल चाहिए, साथ ही साथ जो पेल स्पेयर है ना वो बहुत मजबूत चाहिए। ओके, लेकिन मैंने फ्री पेल अलायंस के टावर को कोशिश करूंगा उसको हराने, क्योंकि वो यहाँ पे अभी हम आराम से हरा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम पहुंच आए लुनारिस, 32 लेवल का लुनारिस भाई। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट हम वही रखेंगे, ऊपर जाने की और इससे बचने की। ओके, जैसे ही हम पेल भेजेंगे वो हमारा अटैक चालू कर देगा, अब हमें बस ऊपर से ही हमला बोलना है। 6 बुलेट मेरे पास, देखो उसके पास भी फायर का एक हथियार है अच्छा खासा। ओके, मुझे बस संभल के रहना है, देखो काफी अच्छा डैमेज दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि डैमेज नहीं दे रहा है, काफी अच्छा डैमेज यहाँ पे चल रहा है। ओके ओके, मेरे को हमेशा ऊपर संभल के रहना है बहुत अच्छा से। ओ यार क्या चल रहा है ये पूरा, वो देखो वो मेरी तरफ घूर रहा है, मेरी तरफ मेरे को आ रहा है डैमेज देने के लिए। उसने मेरा जो सुरक्षा कवच है वो तोड़ दिया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर से जनरेट हो जाएगा जब हमारे पास कोई अटैक नहीं होगा, इसलिए मेरे को अटैक से बचना बहुत जरूरी है। ओके ओके, कमर थक जाती कई बार, कोई नहीं। वैन वेम यार ये फिर मेरी तरफ, मेरे को बचना है। ओके, जहां तक कोशिश हो हैंग, ओ देखो मेरा सुरक्षा कवच उसने फिर से तोड़ा है। ओके, फिर से ये बार बार तोड़ रहा है, लेकिन हमें इससे बचना है। लुनारिस की अभी भी हेल्थ हाफ तक भी नहीं पहुंची है। ओके, लेकिन पहुंच जाएगी जल्दी, और पहुंच गई, बस मुझे बचना है इस समय। बूश बूसी भी फायर पहले, ऐसा नहीं है बूश। ओ मेरी हेल्थ इस समय, मेरा जो हेल्थ बहुत ज्यादा 54-95 अराउंड चल रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उसने वैन एम को भी काफी डैमेज पहुंचा रही है, लुनारिस में काफी दम है भाई, मानना पड़ेगा सच्ची में भाई। मेरी मस्केट का बुलेट खत्म होगी, क्रॉसबो से ही सहारा लेना पड़ेगा अभी हमें। ओके मात, ओके कैप्चर अभी नहीं होने वाला लग रहा है ये। 4%, ओ इस पे कोई असर नहीं, ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट स्पेयर। ओके दूसरा स्पेयर भाई, या तो मुझे डैमेज इसको और देना है, या दूसरा स्पेयर भाई। दूसरा स्पेयर अभी आ नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए इक्विपमेंट अलग लगेंगे, इसलिए मुझे कोशिश करना है इसको डैमेज ज्यादा देने की, जितनी कोशिश कर सकता हूं मैं करूं। ओके संभल के, ये जो पिलर्स है मोटे मोटी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इनके पीछे वो जो लुनारिस डैमेज देता है ना वो बच जाता हूं मैं। ओके देखो एकदम संभल के, एकदम संभल के मेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा। 509, 421, ओके लुनारिस अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अब इसको कैप्चर कर लेना चाहिए बच बचाते यार, ये मेरे को बस मारना दे। ओके ओ अभी भी बच गया ये,
अब नहीं प्लीज कैप्चर कम ऑन कैप्चर ओके कैप्चर ओके बॉस फाइट एक्वायर्ड वन एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट। फिर से मुझे एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिला। यही देखिए, जब भी आप या तो किसी टावर बॉस को हराते हैं या फिर आप बॉस जो यहाँ पे रहते हैं डंजियन में उन्हें हराते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं और ये अपग्रेड में हेल्प करते हैं। देखो ये है मेरा वॉरसैक जिसको मैंने पहले हराया था। क्या हैवी भाई, सच्ची में 30 लेवल का है लेकिन हैवी है और काफी धुआंदार है। ऐसी बात नहीं है कि धुआंदार नहीं है, काफी डेंजरस है ये। ओके सो हमने इस समय आज जो बात कर रहा हूं मैं, दो को पकड़ चुका हूं, दो बॉस को, और आगे अपने बेस में फिर से आते हैं ट्रेवल करते हुए। ओके ये है मेरा कौन सा बेस है, ये पुराना बेस है। देखो यहां पे काफी बार हमला हुआ है इसलिए मेरा जो स्ट्रक्चर आप पहले की वीडियो देखें उसमें कैसा था और अब कैसा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने लकड़ी का मैंने बेस यहाँ पे बनाया था अपना घर, तो कई बार उन्होंने फायर अटैक कराया जिससे मेरा घर को काफी नुकसान हुआ है। तो मैं धीरे धीरे इस घर को भी अपग्रेड कर दूंगा स्टोन में जिससे मेरे को फायदा हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ क्योंकि डैमेज के साथ मेरी हेल्थ कम हुई है, हंगर बढ़ चुका है। ओके केक भी देख रहा हूं अभी बन रहा है क्योंकि मैं ब्रीड कराना चाहता हूं सबसे खतरनाक चीज, और इस गेम का जो हाईलाइटेड चीज है उसका नाम सबको पता है, इलेक्ट्रिक का है वो और येलो है। हिंट मैंने इतनी दे दी है, आप बताना वो क्या है उसका नाम। ओके सो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन सब का यूज देखो, ये ज्यादा वेट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूं क्योंकि चलने में दिक्कत होती है। मेगा ग्रैपलिंग गन ये बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि जब इसको हम करते हैं कई बार वेट ज्यादा भी अगर उठाते ना तो ये गन की हेल्प से हम डायरेक्ट एक लंबे डिस्टेंस तक खींचे चले जाते हैं। ओके जॉर्मन टाइड है भाई, इसको अभी नहीं हरा सकता हूं मैं। एनुबिस को नहीं, एलिजा भी को मैंने कई बार ढूंढा लेकिन आई डोंट नो एलिजा भी कहां छुपी है, मुझे नहीं पता। एलिजा भी मिल ही नहीं पा रही है मेरे को, बहुत बार ढूंढा है, शायद में भी मेरी किस्मत इस समय सही नहीं है लेकिन ढूंढूंगा जरूर उसको और उसको कैप्चर करूंगा। देखो मैंने कहा था ना हाइपर स्पेयर, देखा इसी असेंबली लाइन में अब हाइपर स्पेयर आ चुका है, मैंने बना भी चुका। देखो स्पेयर असेंबली लाइन, और इससे ज्यादा मेरे को अगर कोई पावरफुल स्पेयर चाहिए, शायद लेजेंडरी स्पेयर है, तो उसके लिए मेरे को स्पेयर असेंबली लाइन एक और सेकेंड वाली है उसको बनाना पड़ेगा और उसके लिए इक्विपमेंट कुछ और भी लगेंगे। ओके सो यहां पे फिलहाल तो मैं खाना, देखो अपना जैसे भी ये रेड येलो मार्क है ना, ऑरेंज सॉरी, इस कभी भी कम होता है तो ये ऑरेंज मार्क को क्या करो आप कंप्लीट कर लो, मतलब पूरा पूरा भर दो। अगर इसको नहीं भरोगे ना तो भाई आपकी हेल्थ कम हो जाएगी, पहल की हेल्थ कम हो जाएगी तो एकदम गायब हो जाएंगे। तो स्पेयर वर्क बेंच में 3 बन सकते हैं, इसमें ये 4 बन सकते हैं, और अगर इससे पावरफुल वाला हमें पहले स्पेयर बनाना है तो एक और हमारे पास असेंबली लाइन हमें चाहिए, और वो मिलेगी कैसे, अपग्रेड करके। सीधा तरीका ही, टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ाना है, एंसेंट टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ाना है, और ये सब बढ़ेगा कैसे, एक्सप्लोर करके, एक पहल से फाइट करके, न्यू पहल्स को कैप्चर करके, न्यू टावर बॉसेस को हरा के, और न्यू जो पॉइंट है स्पॉन पॉइंट उनको लेके। सो दीज आर द मेथड, हमें बस इनका यूज करना है और बस काम हो जाएगा। यहां पे 29 लेवल का बीकन है और इसको भी मुझे हराना है, देखते हैं। और बीकन केवल नहीं है, यहां पे बीकन का बॉस है। ओके बाद में इनकी जो सैडल मिलने वाली ना उनमें मजा आएगा। देखो बीकन 29 लेवल का बॉस है भाई, मैंने अपना वैन वैम भेज दिया, वैन वैम मेरा, मैंने उसको धीरे धीरे इतने सारा इक्विपमेंट दे चुका हूं, फायर का, सैंड का, आइस का, जिससे वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक, स्पेशली इलेक्ट्रिक का भी वो अच्छा डैमेज दे रहा है। देखो इस समय 2297 ओके 2500 से, अरे अब भी कुछ नहीं हो रहा, मैं काम का वेस्ट नहीं करूं भाई, मैं बहुत दूर से हूं लेकिन जो मेरा पहल है ना वो, हाँ ये चीज जो है ना भाई, ये दूर से ही निशाना, सिंगल शॉट स्पेयर लॉन्चर, ये बहुत काम की है। देखो कुछ टाइम के बाद क्योंकि हमें दूर से हम हाथ से नहीं ले सकते, लेकिन जो स्पेयर लॉन्चर है ना वो बहुत हेल्प करता है, वो सीधा सीधा आपके पेल्स पे जिसको आपको कैप्चर करना उस पे अटैक करता है और कैप्चर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसकी हेल्थ कम है। वो देखो यहाँ पे घमासान युद्ध, ओ मेरा वैन वैम की हेल्थ मेरे को लग रहा है कम है। ओके मैं आर सॉक्स को रेडी रखा है स्टैंड बाई पे,
ओके भाई जा भाई जा, मेरा आर्सॉक्स दे रहा है उसको डैमेज, मुझे आर्सॉक्स गया भाई नीचे। भाई बिकन, बिकन ने अच्छा मेरा उसको भाई वैन वेम को पूरा खत्म कर दिया। ओके नाइट विंग भी है मेरे पास, अभी तो मेरा आर्सॉक्स दे रहा है उसको डैमेज, अच्छा दे रहा होगा मेरे को उम्मीद है। मैं नीचे नहीं देखूंगा भाई, नीचे गया तो ये पोजीशन मैंने क्योंकि अच्छी संभाली है, कभी भी ध्यान रखो। ओके आर्सॉक्स भी इनकैपेसिटेटेड हो गया है। ओके मैं नाइट विंग को तैयार रखा था, नाइट विंग दिखा दे भाई, नाइट विंग भी 29 का है, बीकन भी 29 का। ओके दोनों की लेवल बराबर है। ओह मेरी तरफ देख रहा है भाई, 6 फुट। ओह इसने मेरा सुरक्षा कवच तोड़ दिया है बीकन ने। भाई लॉन्चर होना चाहिए, अरे यार देखा लॉन्चर का ये फायदा है। कमऑन कैप्चर, कमऑन कैप्चर, कमऑन कैप्चर, कमऑन। वन टेक्नोलॉजी पॉइंट फिर से मिल चुका है और मैं 2 बीकन को कैप्चर कर चुका हूं, ये बहुत अच्छी बात है। इसको कैप्चर करने में हालत पतली हुई लेकिन काफी अच्छा लगा। 2 मेरे पहल एकदम इनकैपेसिटेट हो गए, मतलब पूरा खत्म हो गए। कोई नहीं, उनको रिचार्ज पे लगाऊंगा भाई पहले स्पेयर में, ठीक है पहल बॉक्स में जो मेरा है। ओके मेरा वेट यहाँ पे जब ये रेड मार्क बन के आ रहा है, योर विंग डाउन बाय कैरिंग 2 many items। ओके सो मुझे कम करना पड़ेगा। और पहल साउल मिलते हैं इनसे, आपके एनहेंस होते हैं पहल, इसलिए कंडेंसर में चाहे एनहेंस होते हैं, और स्टैच्यू ऑफ एनहेंसर कहते हैं वो है, वहां बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं अपने पहल को, पावरफुल बना सकते हैं कहने का मतलब। ओके गैलग्लियो चल भाई, इनसे भी पंगा ले लो, ले ले भाई नाइट विंग, मार दे इसको। ओके लॉन्चर में एक ही बार में काम हो जाएगा भाई, उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। ओके भाई ये 20-30 तक के जो पेल्स है ना आराम से। ओके हम आ चुके हैं आईसी रीजन में, पूरा बर्फ ही बर्फ है यहां पे, और मैं कोशिश करूंगा इस बार जो मेमोरेस्ट आइस वाला उसको कैप्चर कर लूं। ओके मेमोरेस्ट सिस्ट नाम है इसका, ठीक है। क्रॉसबो पहुंच नहीं रही है क्या मेरी भाई, क्रॉसबो पहुंच नहीं रही है मुझे लग रहा है। ओके 41 देख रहे हो, 41 लेवल का है भाई, काफी लंबा चौड़ा लेवल का है ये, और मेरा एलिफेंट इस समय 32 समथिंग लेवल पे चल रहा है। भाई मेरे को संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि इनके युद्ध में पंगा भाई मैं नहीं ले सकता, बस मुझे अपना धैर्य को बनाए रखना है और लॉन्चर रेडी रखना है, और बीच बीच में मौका मिले तो फायर करते रहना है। ओके देखो मेमोरेस्ट की कम करिए भाई, कम करिए, ऐसा नहीं है मेमोरेस्ट का कम कर रहा है, बच तो जा रहा है लेकिन फायर से उसको डैमेज अच्छा मिल रहा है, मेरे मेमोरेस्ट हेल्प कर रहा है काफी अच्छी, ऐसा नहीं। और देखो ओ वो आइस का डैमेज दे रहा है, लेकिन मेरा ग्रीन वाला जो है वो देख रहे फायर का डैमेज दे रहा है। भाई विजिटर बेस में घूम के निकल लिया, अभी मेरे को विजिटर नहीं, मेरे को इसको कैप्चर करना है। देखो विजिटर आते हैं तो उनसे तुम कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ खरीदना खुद बेचना, तो उसमें भी आपको एंसेंट पॉइंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं, तो उससे भी अपग्रेड होता है। फिलहाल तो यहाँ पे घमासान युद्ध चल रहा है और मेरा वेंग पता नहीं क्यों ज्यादा हो गया वेट। ओके मेरे को एकदम यहाँ पे इसने, बाबा रे बच के, मैंने कहा ना संभल के रहना पड़ेगा, इससे संभल के नहीं रहूंगा तो बस। देखो काफी डैमेज मिल चुका है, अब मुझे कैप्चर करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ अभी भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा पहल का, ओके अभी भी असर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कब तक नहीं होगा। ओके मेरा मेमोरिस्ट अच्छा है लेकिन मैंने स्टैंड बाय पे वैन वेम को रखा है, क्योंकि अगर मेरा मेमोरिस्ट एकदम खत्म हो गया तो वो बराबर चल रही है। ओके मैं उसको कुछ खिला देता हूँ क्या, ओ मेरा वेट बढ़ा है, इसको हटाऊं पहले। यार ये वेट बढ़ने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था सही से। ओके आराम से, ओ मेरा खत्म। ओके मेरे वाले को मारा इसने, मुझे बच के रहना पड़ेगा। वैन वेम को लाता हूं मैं सामने जल्दी से, लॉन्च लॉन्च कैप्चर 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 हो जा। ओ नहीं हुआ, वैन एम को मेरे को लाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, लेकिन लाया तो वैन एम एक बार में खत्म कर रहा है। एक तो डर मेरे को इसका भी बना रहता है वैन एम को लाऊं, क्यों उसको मैंने इतनी पावर दे दी है ना, एक ही बार में खत्म कर देता है 10% कैप्चर होना चाहिए। ओह यार ये काफी पास, बस 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 11% अब तो होना चाहिए कैप्चर, अब तो होना चाहिए। ओके ओके फाइनली भाई बहुत मशक्कत हुई इसको कैप्चर करने में, मेमोरिस्ट क्रिस्ट। ओके मेमोरिस्ट क्रिस्ट भाई,
बहुत मशक्कत हुई, सच्ची बता रहा हूँ। ये लोकेशन जब मैं यहाँ पे विजिट किया ना, काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन है। और इसके बाद वॉल्केनो वाले लावा लोकेशन में इससे पहले भी गया हूँ। मैंने कोशिश करी, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश करी है, और इस समय 200 डेज से ज्यादा हो चुके हैं मेरे को। और मैंने क्या किया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जितने भी यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट हैं उनको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अब तो मेरे को बहुत ढूंढने में भी तकलीफ हो रही कि कौन सा रिस्पॉन पॉइंट कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे एक एस्ट्रल माउंटेन्स वाले लोकेशन में फिलहाल हम आए हैं। ओके, काफी मशक्कत करनी पड़ी हमें मेमोरिस्ट क्रिस्ट को पकड़ने में। देख लेते हैं यहाँ पे, देखा यहाँ पे एक हमारे पास फिर से आ चुका है एक रिस्पॉन पॉइंट। जब भी इस तरीके का आपको ईगल पॉइंट कह लो या फास्ट ट्रेवल पॉइंट कह लो, अनलॉक जरूर करना, उससे आपका बढ़ जाता है टेक्नोलॉजी पॉइंट और अपग्रेड हो जाता है। ओके, तो देखो एलिफेंट यहाँ पे भाई हमारे लिए एक सुजुका है, वो देखो नीला कलर का। मैंने काफी काफी पकड़े हैं, ऐसा नहीं है, काफी पकड़े हैं। ओके, सो ब्रीड भी करवाए हैं मैंने काफी, और काफी पकड़े भी हैं। इस सब मेरे पास लेवल भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। ओके, मेमोरस क्रिस्ट को मैं साथ में, देखो मैंने कहा था ना सेट सेट, यहाँ पे तो ये हो चुका है सेट मामला हमारा। ओके, यहाँ पे होल्ड करके हम कुछ भी बना सकते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है हमारे पास अगर आपको अपना अपेयरेंस चेंज करना है तो उसके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपेयरेंस आप गेम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद अपेयरेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे दैट यू कैन चेंज योर करेक्टर अपेयरेंस। ओके, सो यहाँ पे ओके, डिफेंसलेस वाइल एडिटिंग प्रोसीड। ओके ठीक है, एडिटिंग के समय कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखो फिलहाल मेरा ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। ओके, क्या क्या करना चाहिए मेरे को देखता हूं भैया फेस में। ओके, क्योंकि भाई लड़की है, दाढ़ी तो बना दी, अब मैं इसका जेंडर ही चेंज करूंगा, कोशिश करूंगा। ओके, अपेयरेंस में ये तो जम नहीं रहा है भाई, बाल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, लेकिन बॉडी अभी लड़की की है, बॉडी भी चेंज करूंगा मैं। ओके, ये लुक, ओ बाल 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 कैसा लग रहा है ये, नहीं जमा नहीं, टाइप 2 में देखे। हाँ ये हुई ना बात, टाइप 2 में नहीं भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। नहीं, ग्रीन गोविंद नहीं, पहली वीडियो में जिसने देखा मैंने ग्रीन कलर का लिया था करेक्टर अपना। ओके, ये सही है, ये सही है मेरे को लग रहा है, ठीक है ना, टाइप 2 में ये सही है बॉडी टाइप, लेकिन टकला थोड़ा मेरे को इसका सही नहीं लगा, थोड़ा चेंज करूं। यहाँ पे टॉर्सो आर्म और लेग है। ओके, बाकी तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, आर्म साइज ओके, नहीं ज़्यादा नहीं बढ़ाना है भाई, ज़्यादा बढ़ा के गड़बड़ को हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा लेग, क्योंकि ज़्यादा होगा तो मेरे को लग रहा है शायद कहीं ना कहीं इसके गेम प्ले में इफेक्ट आए, चलने में, जाने में, अटैक करने में। ठीक है, आप फेस को थोड़ा सा हम अच्छा बना लेते हैं इसका अपेयरेंस। ओके, ये लुक तो अच्छा लग रहा है, चेहरा मेरे को ये पसंद आ रहा है, गुस्सेल, एकदम गुस्से वाला चेहरा। ओके, चेहरा ठीक लग रहा है, लेकिन हेयर स्टाइल यार जमी नहीं। अभी आंख का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये आंख सही है, आई टाइप दिस इज परफेक्ट। बाल को चेंज करता हूँ, आई थिंक दिस, नहीं ये वाला भी सही नहीं है, ठीक ही है, लेकिन मेरे को अभी सही नहीं लग रहा है ये वाला। ओके, ये सही है, दिस इज ओके, आई थिंक यही फाइनल है। ये तो आवाज है, खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आवाज कैसी भी रखो भाई का है। ओके, सो ले आराम से, सोने के बाद हम उठ चुके हैं। ओके, देखो इस बार कौन मिला है, ब्लैक मार्केटर मिला है, हमें मिला है ब्लैक मार्केटर। ओके, ब्लैक मार्केटर भाई, ये जो है ना ब्लैक मार्केटर सबसे खतरनाक। देखो स्माइल, देखो इसको मार के देखूं, मैं मार के देखूं भाई, बाई कॉन्ट्राबैंड, सेल कॉन्ट्राबैंड भाई, ट्रेड कर सकता है कुछ भी, लेकिन मैं इसको मार के देखना चाहता हूँ भाई। बात बहुत कर ली, इसको भी कभी कैप्चर करूंगा, लेकिन अभी देखता हूँ एक बार क्या होगा इससे भाई। हेलो हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, डू वांट टू से समथिंग? ओके, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू ऑन स्टमक। ओके भाई,
क्या है भाई, ये क्या निकाला इसने सच में। कोई नहीं कोई नहीं, मैं रिस्पॉन होके और लेवल बढ़ा के आ चुका हूं लावा वाले एरिया में। भाई उसने हालत डाउन कर दी मेरी। रागना हॉक, ओके काफी खतरनाक है ये भी। रागना हॉक से निपटने के लिए मेरे पास तो मेरा वैन वेम है, और वैन वेम ही मेरे को लग रहा है काफी पावरफुल है मेरे लिए। मेरे को और किसी की जरूरत नहीं, मेरा वैन वेम को मैंने इतना पावरफुल बनाया। ओके ओहो यार, रागना हॉक ने एकदम से भाई कैप्चर भी कर लिया मैंने उसको। मौके पे मैंने एकदम अपना फायर वाला एकदम स्पेयर का यूज करा है। देखो इसको भी मारे मैंने। भाई ये कौन है, इसको मेरे को कैप्चर करना है। भाई जल रहा है क्या है, ओके भाई खतरनाक है ये, बहुत बहुत खतरनाक है। दूरी, इन जैसे पहले से दूरी बना के काम करना। अच्छा ब्लेज होल नाम है इसका। देखो देखो देखो, फायर ऐसे फेंकता है ना, ये पूरा धमाका है। ओके पूरा धमाका है भाई। ओके कैप्चर, मैंने ब्लेज होल नोक्ट को देखो क्या आसानी से कैप्चर किया, क्योंकि मैंने अपने वेनम की जो क्या बताऊं, मैंने उसको बहुत पावर दे रखी है भाई बहुत। और ये सब हुआ है मेरे गेम प्ले से, टेक्नोलॉजी लेवल को बढ़ा के अपग्रेड करके, और इसी तरीके से गेम को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे अच्छे पेल्स और भी रह गए हैं उनको कैप्चर करेंगे। वो देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, युद्ध घमासान वाला युद्ध। भाई कैप्चर हो जा, वो बच गया भाई बच गया। मारना नहीं चाहता हूँ मैं इसको मारना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ कैप्चर करना चाहता हूँ। ओके कैप्चर ब्लेज होल नॉक्ट भाई, दो दो ब्लेज होल नॉक्ट को मैंने कैप्चर किया। उसके बाद एक नए लोकेशन पे और आया, हालांकि इसको भी मैं कैप्चर कर चुका हूं, लेकिन जो मिल रहे हैं ना मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूं, इनसे लेवल बढ़ती है हमारी, टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं हमें, इसलिए इसको भी करने वाला। 29 लेवल का भाई, फायर ये भी अच्छा देता है भाई, बहुत तगड़ा वाला फायर देता है। ओके मेरी देखो मस्केट में 49 बुलेट्स है, मेरे को टेंशन की बात नहीं, बहुत अच्छा डैमेज देती है भाई। नीचे गया तो ये मेरे ऊपर आ जाएगा बकरे की तरह एकदम से। ओके देखो क्या फायर बॉल का डैमेज दिया भाई, देख रहा। अब मैं लॉन्चर रेडी रखता हूँ एक ही बार में भाई, हाइपर स्पेयर के लॉन्च में एक ही बार में, तो ज्यादा लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी इन सिनेरम। ओके ज्यादा मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे जो पहले स्पेयर था एकदम इजिली। देखो मैंने कितना इस समय यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ एरिया, अच्छा खासा मैंने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर चुका हूँ। ओके देखो क्या एरिया भाई, काफी हद तक मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वैन वेरम नहीं था। उसके बाद नाइट विंग की हेल्प से आता था, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं था चलने में, और मेरे पास इस तरीके के हिट आर्मोर वगैरह नहीं थे, तो मुझे दिक्कत हो रही थी इन लोकेशन में। लेकिन अब ज्यादा टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं जब मैं आऊंगा बाद में दोबारा यहाँ पे जेट ड्रैगन से लड़ने के लिए, तो उस समय मैं बेस भी बनाऊंगा इसी लोकेशन को। ओके सो देख लो भाई, ये लोकेशन कोई छोटा मोटा लोकेशन नहीं है, सही गेम बनाने वाले ने ना हकीकत में बहुत बेहतरीन गेम बनाया। मैं इस गेम का एकदम से दीवाना हो गया हूँ, इसलिए वीडियो लाने में मेरे को टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं खेलते ही रहता हूँ, वीडियो बना नहीं पाता हूँ, मतलब वीडियो बना लेता हूँ लेकिन इसकी डबिंग जिसको कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाता हूँ यार। इतना मतलब इंटरेस्टिंग गेम हकीकत में, बहुत ज्यादा। ओके यहाँ पे फिर से है ब्लेज होल, ओके 37 लेवल का है, 37 यहाँ पे है ये ब्लेज होल 37 लेवल का भाई, इसको मुझे पकड़ना है आराम से, ध्यान से उसको मस्केट से अगर मारा डैमेज तो देगा, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा भाई वैन वेम मेरा एकदम से खतरनाक वैन वेम भाई कैप्चर मैं, ओ बच गया। तो फायर, यहाँ पे फायर का खेल चालू है एकदम से खतरनाक वाला भाई, पूरे में आग आग फैला दिया उसने। देखो मैंने क्या आसानी से पकड़ा भाई, फ्लेम ऑर्गन मिला है मेरे को, लेकिन ब्लेज होल को मैंने आसानी से पकड़ लिया था। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं इस बहुत बड़े ट्री को मैंने काफी यूट्यूबर ने कोशिश करी और मैंने भी कोशिश करके इसको कैसे भी यहां पे पहुंचा हूं, लेकिन यहां पे एक अलग से ही ट्रांसपेरेंट जैसी एक दीवार है, हम उसको कवर मतलब पार ही नहीं कर सकते हैं।
समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रखा है, फिर ये बनाया क्यों ऐसा लोकेशन। मे भी शायद अपग्रेड होके एक अलग लेवल में जब हम पहुंचे तो शायद यहाँ पे रीच करने का कोई ना कोई तरीका हो, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत कोशिश करी है। देखो एकदम मैं बहुत नजदीक आ चुका हूँ इसके, बहुत ज्यादा नजदीक हूं मैं इसके, कोशिश मैंने करी कि इसको एकदम से पहुंच जाऊं मैं यहाँ पे, लेकिन क्या करूं, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद यहाँ पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा। काफी देखो कितना दूर आया हूं मैं यहाँ पे, देखो ये लोकेशन कहां से मैं कहां पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ पे सोच रहा हूं मैं इस कोने से घुस जाऊं उस कोने से घुस जाऊं, लेकिन यहाँ दिखा ही नहीं मेरे को कोई रास्ता भाई, कोई रास्ता नहीं दिखा मेरे को। बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आया हूं मैं यहाँ पे, पूरा अजीब सा यहाँ पे एटमोसफेयर है। मे बी कोई ट्रिक हो या ऐसा, यूट्यूब में काफी लोग बताते हैं, आपको भी पता होगा। देखो यहाँ पे एक रेड कलर की ट्रांसपेरेंट दीवाल है, ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ये रास्ता अनलॉक होता है मे बी शायद अपग्रेड करने पे हमारे लेवल को, या फिर कोई और तरीके से, सो मैं सेम टाइम में आपको बताऊंगा। ओके सो मुझे कोशिश तो मैंने यहाँ पे बहुत करी थी लेकिन नहीं काम बना था। अब यहाँ पे एक मेमोरस क्रिस्ट और है भाई, इसको भी हमने धमाके से फेल दिया था। देखो मैंने यहाँ पे एक हेड अच्छी खासी लगाई है, अपना अपेयरेंस में जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ा ना, मेरा भी लेवल बढ़ रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, मेरे पास अच्छे अच्छे वेपन भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आइटम्स भी आ रहे हैं, मजा आ रहा है। ओह क्या किया भाई, एकदम बर्फ के गोले में मेरे को भाई, भाई 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 वेन वेरम, तो देखो डैमेज में लगा रहता है भाई। एक तो मैं पकड़ चुका हूं इस तरीके का आइस वाला एलिफेंट, कोशिश कर रहा हूं मैं एक और पकड़ लूं। ओह बच गया, गीगा स्पेयर से मुश्किल है। ओह अच्छा बड़ा लेवल यार गीगा स्पेयर से, ओके भाई गीगा स्पेयर से, देख रहे हो ना मैंने कोई अल्ट्रा स्पेयर का यूज नहीं किया है, गीगा स्पेयर। और एक और आ गया भाई, ये दोनों जोड़े में है क्या, ओके मेरा वैन वेरम को काफी हंगरी भी हो चुका है। अरे भैया ओके क्या बर्फ के गोले छोड़ रहा है वो, चल मैं एक मस्केट दे देता हूँ उसको। बस इस मस्केट के एक ही ड्रॉबैक है कि हमें एक बुलेट फायर करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। ओके अरे इस पे असर नहीं हो रहा है गीगा का अब भी असर नहीं हो रहा है, या तो उसको और हमें डाउन करना पड़ेगा उसकी हेल्थ, या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मतलब एक अच्छे स्पेयर के लिए। ओके देखो कुछ नहीं हो रहा है, एक बार मैं चेंज करके देखता हूँ स्पेयर को भाई। सच में देखो युद्ध वाला खतरनाक, अरे मार दिया मेरे उसको, वैन वेरम को मार दिया उसने। के हट जाओ भाई, जहां ये लाल करे मतलब बर्फ जमा देगा। ओके एलिफेंट टू एलिफेंट हो जाए, बस देखो उसको भी जमा दिया उसने भाई 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 भाई, खतरनाक सच्ची में, काफी अट्रैक्टिव गेम है, मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। शुरुआत में काफी दिक्कत हुई थी जब इस तरीके के, ओ देखो वहां से कोई और आ रहा है, सिविलिक्स नाम का कोई आ रहा है भाई, 38 लेवल का पहल है। अरे फिर से जमा दिया मुझे भाई, मेरा मेमोरिस्ट वो भी खत्म, दो पहल यहाँ पे खत्म। मैं यहाँ पे यूनिवर्ल्ड 32 लेवल का बॉस है उसको छोड़ चुका हूँ मेरे, इसको मैंने पकड़ा था लास्ट जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया उसमें आप देख सकते हैं, उसको पकड़ने में भी काफी हालत मेरी डाउन हुई थी यूनिवर्ल्ड को। ओके और मेमोरिस्ट ने मेरी हेल्प करी थी। यहाँ पे युद्ध चालू है और सिब्लिक्स आ चुके भाई, ये दोनों बर्फ वाले पहल हैं, एकदम से जमा देते हैं। ओके भाई धीरे धीरे नहीं हुआ अभी भी कैप्चर, यानी इसको डैमेज अभी और देना है हमें। और भाई वॉर सेक्ट आ जा भाई, मेरे 3 पहल्स यहाँ पे पूरा खत्म हो चुके हैं, 3। और देख भाई वॉर सेक्ट लेगा दम इनसे, वॉर सेक्ट इस बार तो लेगा दम, पक्का लेगा, जल्दी ले वॉर सेक्ट, कम ऑन। क्या हो रहा भाई, सिविलिक्स और मेमोरस दोनों मिलके लगे पड़े, बच गया। सिविलिक्स मेरे को देख रहा है, मेरे पे डैमेज मत दे देना भाई,
मेमोरिस्ट खत्म, मेमोरिस्ट हो गया खत्म भाई, मेरे को कैप्चर करना था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब सिबलिक्स को करता हूँ कैप्चर। सिबलिक्स को मारना नहीं है मुझे, कैप्चर करना है। जब अगर ये आया है मेरे से पंगा लेने या आई है, मे बी जेंडर कोई भी हो, आई डोंट माइंड, लेकिन लेकिन व्हाट्सएप अच्छा दे रहा है। ओके, मैंने पहले अभी नहीं, रेडी स्टैंड बाई पे रखा है मैंने इनसी रैम को। ओके, इसको कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप भी खत्म हो चुका है मेरा यहाँ पे। अरे माय गॉड, अब आ जाए इनसी रैम। ओके, इनसी रैम इसका नाम है, फ्लेम क्लियो हंटर। ओके, अबे यार ये कुछ ज्यादा पावरफुल दिख रहा है मेरे को, 38 लेवल का सिबलिक्स। कैप्चर हो नहीं हुआ, अरे इतना पावरफुल कैसे है ये, हाँ इतना कुछ ज्यादा पावरफुल दिख गया मेरे को भाई। ओके, अभी ओके, ये हुई ना बात, अब हुआ खत्म भाई, हालत ही इसने एकदम बुरी कर दी मेरी तो। अबे यहां अब कौन आ गया भाई, कोई आया हो, मैं वहां से लीव कर गया जल्दी से। अब यहां पे माउंटेन कवर की डंजन है, और यहां पे देख लेते हैं डंजन में भी कुछ तहलका मचने वाला है, कुछ अच्छा पेल्स मेरे को उम्मीद है मिल जाए, क्योंकि डंजन टेरोक्रिस्ट एक हमने फायर वाला पकड़ा है, ये आइस वाला है मे बी, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर की आइस दिख रही है हमें। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना है भाई, इसको तो पकड़ना तो है हमें। ओके रिप्टेरोक्रिस्ट भाई, मैं मैक्सिमम टाइम जितनी भी प्ले करा है मैंने और पेल्स को यूज ही नहीं करा, क्योंकि मैंने अपने सिर्फ वेनवरम को इतना पावरफुल बना दिया है ना, मैं उसी की हेल्प से बहुत सारे पेल्स को पकड़ा है, तो ये एक ट्रिक मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे साबित हो रही है। देखो भाई, इसको मेरे को कैप्चर करना है, कोशिश करूंगा इसको जल्दी कर। देखो क्या फायर चलाया है यहाँ पे भाई, गजब वाला फायर चलाया है यहाँ पे, गजब, बहुत पेल्स पकड़े मैंने, बहुत भाई बहुत, और अपीयरेंस तो देख लो मेरा इस समय पूरा चेंज हो गया है भाई। ग्लाइडर का भी यूज काफी अच्छा है यहाँ पे, हटाओ इसको, वेनवरम है क्या मेरे पास। ओके रिप्टेरोक्रिस्ट को मुझे मारना नहीं है, एलिफेंट। ओके, बर्फ में मेरे को यहाँ पे दबा चुका है। ओके भाई, मेरे को मारना नहीं है मेमोरिस्ट, मारना मत जान से उसको, मेरे को कैप्चर करना है उसको। ओके मेरे पीछे हैंग यू का यही फायदा है भाई, अब कैप्चर हो 5%। अरे स्केप कर गया। ओके रिप्टेरोक्रिस्ट लेवल 43, स्केप द स्पेयर भाई, जहां मौका मिले 5% अब होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ भाई, इसको थोड़ा और डैमेज चाहिए। मैं रेडी रखता हूं अपना लॉन्चर भाई, मस्केट ठोक दे, बच जा, वो फायर करेगा भाई, भाव। अरे हैंग यू का ये फायदा, देखा हेल्थ कम हुई ना जब ज्यादा ऊंचाई से गिरा, तो अब मुझे इसको लॉन्चर यूज करके पकड़ लेना चाहिए, मरना नहीं है, मारना नहीं है भाई। 1.66% कैप्चर रेट है यार, ये मर नहीं रहा है, नहीं कैप्चर हो रहा है भाई, बहुत पावरफुल है क्या मेरे एलिफेंट, क्योंकि मेरा लेवल डाउन है इसलिए एलिफेंट का भी लेवल इस समय डाउन है। अब तो आजा भाई कैप्चर, कहां ऊपर चढ़ गया ये भाई, डेंजरस मोड में आ चुका है मेरा मेमोरस क्रिस्ट, क्योंकि इसने काफी डैमेज पहुंचाया है मेरे पेल को भाई, अब भी 172, अब कैप्चर होना चाहिए। अरे यार ये क्या कर रहा है, मेरे काफी हाइपर स्पेयर को इसने बर्बाद कर रहा है, काफी हाइपर स्पेयर मेरे बर्बाद हुए हैं यहाँ पे। ओके अब होना चाहिए, मुझे उम्मीद है अब होना चाहिए, अब हो जा भाई, अब होना चाहिए। यार मेरा सुरक्षा कवच तो मैं मारना भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ कैप्चर करना चाहता हूँ, वरना तो ताबड़ तोड़ो बूशी। ओके बूशी आते ही काम हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
सो आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तमाशा होने वाला है काफी मजेदार होने वाला है पैल वर्ल्ड में। आज का वीडियो प्लीज कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और आगे हम नए नए गेम प्ले और करने वाले हैं, और क्या हम गेम प्ले करें वो हमें प्लीज बताते रहिए। और सबसे पहली बात, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत नया चैनल मैं बता चुका हूँ, और मतलब 2-3 महीना फिलहाल हो चुके हैं मैं वीडियो कम डाला है, लेकिन यहाँ पे अभी लेवल हम मेरा नहीं बढ़ रहा है, चैनल का नहीं ग्रोथ हो पा रहा है, तो प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।